तो जिधर बम उधर हम वाले व्यक्ति पार्टी छोड़ के उधर चले गए। पिताजी जो थे देश के प्रधानमंत्री को एक नंगी जीप में ला के भेसलाई गांव में ले आए थे। कांग्रेस नहीं छोड़ चुका हूँ, कांग्रेस में रहेंगे और कांग्रेस में थे और अंतर सिंह दरबार को जीता करके वापस कांग्रेस में ही लाएंगे। वो कांग्रेस का व्यक्ति बीजेपी से नहीं जीत सकता था। इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर की मऊ विधानसभा सीट पर। मऊ सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है, एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ निर्दलीय अंतर सिंह दरबार, जो हाल ही में कांग्रेस छोड़कर उन्होंने इस्तीफा दिया है, कांग्रेस से निर्दलीय अब चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी सभा में हम मौजूद हैं और यहाँ पर कई लोग आए जिनसे हम बात करेंगे। एक बहुत ही बुजुर्ग बाबा हैं, पुराने कांग्रेस के नेता हैं, उनसे जानेंगे क्या माहौल लग रहा है। माहौल ये लग रहा है कि दरबार साहब मऊ विधानसभा से जीतेंगे, क्योंकि दरबार की कार्यशैली बहुत अच्छी रही है और दरबार हर व्यक्ति के दुख सुख में पार्टी के लिए कार्य करते रहे। हारने के बाद भी उन्होंने अपना संघर्ष नहीं छोड़ा था और हर कार्यकर्ता के दिल में उनके लिए जगह थी। और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से इतने तंग आ गए थे और इतना अत्याचार हुआ है कांग्रेसी लोगों के साथ में। और रामकिशोर शुक्ला जी की जहाँ तक बात आती है कांग्रेस पार्टी की, तो ये अशोक पाटनी के चुनाव में, प्रकाश चंद सेठी का जवाई जो अशोक पाटनी थे, उनके चुनाव में उनको यहाँ का कारोबार दिया था शुक्ला जी को। जब से छोड़ के गए, जब इन्होंने देख लिया कि बीजेपी का पलड़ा भारी है, तो जिधर बम उधर हम वाले व्यक्ति पार्टी छोड़ के उधर चले गए। और अब देखा कि कांग्रेस की सरकार बन रही है तो उधर भग गए। और दरबार जो है हमारे हर कार्य में, दुख में, सुख में, काम करने में और पार्टी का संचालन करने में, अभी हमारे राहुल गांधी जी आए थे, पूरा संचालन दरबार अगर नहीं होता तो यहाँ राहुल जी को चार मनक भी खड़े नहीं होते। दरबार के कारण पार्टी की छवि बनी हुई थी मऊ के अंदर और दरबार कोई टिकट नहीं दी गई। दरबार का हारने का कारण ये, अगर जो बागी जो यहाँ से कांग्रेस छोड़ के गए हुए लोग थे, ये अगर 5-7 हज़ार वोट से नहीं हराते तो दरबार को हराने वाला बीजेपी कभी हरा नहीं सकती थी मऊ से। और दरबार एक बहुत अच्छे, सहनशील, हर आदमी के दुख सुख में काम में आने वाले हैं। इसलिए अब ये समझ लो कि मैं 77 साल की उम्र है, परंपरा से कांग्रेस में रहा हूँ। मेरे पिताजी जो थे देश के प्रधानमंत्री को एक नंगी जीप में ला के भेसलाई गांव में ले आए थे, प्रधानमंत्री को। तब से लेके मेरे बाप भी कांग्रेसी रहे और मैं भी जीवन भर से कांग्रेसी रहा हूँ। लेकिन दरबार के कार्य के कारण, दरबार के एक अच्छी शैली के कारण, हर व्यक्ति के दुख सुख में आना, विधायक बनने के बाद भी कोई घमंड नहीं, अगर कोई जरा सा व्यक्ति उनके पास आता था तो दरबार उनकी सुनता था। अब ऐसे घमंडी लोगों को कि अगर कभी काम पड़ गया या उसके ऊपर तकलीफ आई तो चल जा, क्या है, तो ऐसे ललकारने वालों को हमको नहीं, ऐसा सहनशील व्यक्ति चाहिए। इस कारण से हम दरबार के साथ में। क्या क्या लग रहा है, कांग्रेस ने टिकट क्यों नहीं दिया? कांग्रेस ने टिकट उनको बोले कि 3 बार हार गए, इस कारण से उनको टिकट नहीं दिया। वो 3 बार हारने का कारण भी देखना था कि अपने ही जो लोग गए हुए थे उन्होंने उनको हराया और वो आ गए और उनको उठा के टिकट दे दिया। आपने बताया 77 साल, मतलब आपके पारिवारिक रूप से आप जो है कांग्रेस में रहे हैं, तो अंतर सिंह दरबार के साथ आपने भी छोड़ दिए कांग्रेस। अंतर सिंह दरबार ने इस्तीफा दे दिया है, अब आप भी जो है कांग्रेस छोड़ चुके हैं। कांग्रेस नहीं छोड़ चुका हूँ, कांग्रेस में रहेंगे और कांग्रेस में थे और अंतर सिंह दरबार को जीता करके वापस कांग्रेस में ही लाएंगे। हाँ, और कांग्रेस को छोड़ेंगे नहीं, ये परंपरागत महात्मा गांधी की पार्टी है, न कि गोडसे की है। गोडसे की अगर पार्टी होती तो हम उधर चले जाते। जिस बीजेपी के अंदर अत्याचार होता है कि हम उधर चले जाएंगे, हम नहीं जाएंगे उधर, बीजेपी में कभी भी नहीं जाएंगे और न हमारे बच्चे जाएंगे। लेकिन अंतर सिंह दरबार निर्दलीय लड़ रहे हैं, टक्कर तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उसको दे रहे हैं, तो एक तरीके से आप जो है कांग्रेस का ही नुकसान करेंगे। वो कांग्रेस का व्यक्ति बीजेपी से नहीं जीत सकता था,
इस कारण तो अंतर सिंह दरबार को मतलब यानी कि निर्दलीय लड़ा रहे हम, वो नहीं जीत सकता था, कांग्रेस नहीं जीत सकती थी दरबार को छोड़ के यहाँ मऊ से, इस कारण से दरबार को लड़ाना पड़ा। बिल्कुल, कांग्रेस में रहे थे और कांग्रेस में ही रहेंगे, कांग्रेस में रहे थे और कांग्रेस में रहेंगे, और कांग्रेस का कार्य करते करते पूरी जीवन बिता भी दिया। बीजेपी वालों का अंत तक मतलब अब जब ये आया चुनाव तो 1000 रुपये की घोषणा कर देते हैं, और वैसे कोई देना न लेना, ये तब भ्रष्टाचार कभी रहा नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी को हरने का भ्रष्टाचार, दूसरा मुद्दा किसानों की, अगर एक किसान कोई अधिकारी के पास जाता है इनकी सरकार में और आवेदन देता है कि भैया मेरी भूमि पर मेरी मेयर के ऊपर कब्जा कर लिया है इसको नाप दो, तो 15-15 साल हो गए पर इनकी सरकार के अंदर कोई अधिकारी किसी गरीब की सुनने के लिए तैयार नहीं थे। दादा आप कह रहे हो कि अंतर सिंह दरबार को जिता के वापस कांग्रेस में चले जाओगे, तो अगर 3 तारीख को रिजल्ट आएंगे अंतर सिंह दरबार जीत जाते हैं और अगर कांग्रेस की भी सत्ता अगर बन जाती है तो ऐसे में क्या होगा यहाँ पर मऊ से? मऊ से हमारा ये दरबार जीतेंगे, दरबार जीतेंगे, हारेंगे ही नहीं, ये हमारा दावा है। तो देखिए यहाँ पर बहुत पुराने कांग्रेसी बाबा जो हमारे साथ जुड़े उन्होंने कहा कि अंतर सिंह दरबार के साथ खड़े हैं, अंतर सिंह दरबार को जिताने की तैयारी है, लेकिन कांग्रेस के साथ भी खड़े हैं, और ये भी कहा क्योंकि कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं जीत सकता इसलिए अंतर सिंह दरबार को यहाँ पर जिताने की तैयारी जो है वो कर रहे हैं। कैमरा पर्सन दीक्षा के साथ इंदौर के मऊ से MP तक के लिए आकांक्ष ठाकुर।